ज्यादा गर्मी होने की वजह से दूल्हे के ऊपर पंखे वगैरह झाल रहे हैं। आज की शादी भी डीप डेजर्ट में है, हर तरफ आप देख लें डेजर्ट ही डेजर्ट आपको नजर आ रहा होगा। एक दो तीन और चार, बरात रवाना हो चुकी है, सामने दूल्हे वाली कार है। यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हम सब जा रहे हैं शादी में, गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, फाइनली वीवर हो चुके हैं, तैयारी रवाना हो चुके हैं, करीम वाला अम्मी और मेहताब, तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और जाते हैं सीधे शादी पर। फाइनली वीवर पहुंच चुके हैं शादी वाले घर, ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये शादी वालों का घर है, ये देखे वो बदते लगे खड़े अम्मी को ला दीते से असा गड्डी उडू घेनते ऊ साइड तो खड़े से। तो वीवर ये है शादी का माहौल, वो सामने तंबू लग रहे हैं और यहाँ पे लोग छांव में जाके बैठे हुए हैं, धूप बहुत ज्यादा है ना इसीलिए यहाँ पे बर्फ वगैरह उतार रहे हैं और वहाँ पे देखे वगैरह बांध रहे हैं। मैं तो आपको झोल सुनाऊं वीवर, ये चाचा साहब जो है दूल्हे को हार पहना रहे हैं और हार के ऊपर ना हम नाम लिखते हैं ताकि दूल्हे वालों को घर वालों को पता चल जाए कि ये किसका हार है। जी जी इन बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से दूल्हे के ऊपर पंखे वगैरह झाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सवाला साहब, हार पहना दिया ना दूल्हे को, गर्मी चीज वैसे पक्की गाल है गर्मी लग गई, देखो एक हार पवावा है चल बाकी लहा गिना है। आज की शादी भी डीप डेजर्ट में है, हर तरफ आप देख लें डेजर्ट ही डेजर्ट आपको नजर आ रहा होगा और डेजर्ट में एक छोटा सा घर है बहुत प्यारा और वहां पे हो रही है शादी। अब बारात जो है वो ट्रालियों पे जाएगी, ये आप ट्रालियां देख सकते हैं, इन पे लेडीज और जेंट्स जो हैं ट्रालियों पे बैठकर बारात लेकर जाएंगे। ओल्ड कल्चर ओल्ड तरीका जो हमारे रीतो रिवाज थे पहले वाले, हमने अभी तक उनको नहीं भुलाया, उसी के साथ ही चल रहे हैं। आते हैं चीजें बेचने वाले बच्चों के लिए, पापड़ क्या चाहिए बताओ सोना सा, पापड़ क्या बोतला तो सा सुनाओ क्या चीज बताओ सोना विरा बोला वाला का फेवरेट है ना। हाँ, रोला रोला ट्रालियां तैयार है ना। हाँ, और वहाँ पे दो तीन कारें भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी बारात होने वाली है। पर इस शादी वाले घर में लाइट ना होने की वजह से ये देखें बैटरियां और प्लेटें वगैरह रखी हुई हैं और इधर करीम वाले के काम देखें मेरे को ने भी यार चाय कला पानी है बच्ची भैया ये क्या मसला है क्यों शाकिर भाई ये तू कितना सफर है दुल्हन का घर कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर है ना। चलो ठीक है बारात जो है रवाना हो दूल्हे की कार आ गई है। शाकिर भाई फोल कैसे लाता फोलता लवा जा यार क्या थी प्या दूल्हे की उम्र ज्यादा फोलता लवा जा
बाल क्यों कहलाते हुए। वो क्रीम वाला कार लेकर आ चुका है और जो ही बारात रवाना होगी हमने उसमें बैठने आना है और बारात जो है वो रवाना हो जाएगी। जाकर फुल स्पीड दे ऐसी चला रहे। बारात में जाने के लिए 1, 2, 3 और 4 ट्रालियां हैं। दूल्हे को लेके जाने से पहले ही ये जुबान का कत्ल कर दिया। हाँ जी, तो दूल्हे को लेकर पहुंच चुके हैं मस्जिद। यहाँ पे दो नफिल दूल्हे ने नमाज अदा करनी है, उसके बाद फिर रवाना होना है सीधे दुल्हन वालों के घर। तो तेरा नंबर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करो। चलो सही, क्या हाल है? ठीक। चलो चलो, टाइम क्या है? नहीं यार, हार लाओ चा। हाँ जी, एक हार ला चा। दू रकात नमाज नफिल। शाकिर शुक्राना दे होने ना, ये दिखा दो छुरी वीर। एक मिनट सर, सुबाला साहब। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से दो नमाज नफिल अदा करने के बाद अब बारात रवाना हो रही है सीधे दुल्हन के घर। आओ सही आओ। मौलवी साहब कह नहीं होता दुआ मंगवाऊंगा, अब आप मंगवाऊंगा जा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है चाक नंबर 145 डीआरबी के 45 रहे चाक 45। ये दूल्हे की कार है वो अपनी, और पीछे बारात भी आ रही है। हाँ जी, तो विवर बारात आई है मस्जिद से होकर और ट्रालियां वगैरह उधर साइड पे रुकी हुई थी, अब वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएंगी। हाँ जी, तो विवर वो सामने देखें दुल्हन का घर जो है वो नजर आ रहा है। जूम आउट कार, हाय हाय हाय, क्रीम वाला क्या शश के अंदर है यार। शश के, हाँ सही देखो, 13 प्रो मैक्स दे यार, क्या ओ घर के दुल्हन नाल काफी दूर है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। एक होटल कार लांदी पिए, ओ गड्डी खड़ी है साडी, झुमर खिड़वाओ यार। फाइनली ये होती है सराइकियों के बारात। तो ये है जी दुल्हन का दाज। ये चीज़ कोई लाजमी नहीं होती, बस एक माँ बाप बहन भाई उनकी तसल्ली होती है कि हमने अपनी बहन को ये सारा कुछ दिया है। हम इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन बस माँ बाप तसल्ली करते हैं, खुश होते हैं अपनी बेटी को बहन को ये चीज़ें देकर। और ये देखें, एक खूबसूरत सा शीशा है, ये देखें। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, उस गर्मी में व्लॉग शूट हो रहा है। तो सा क्या लिखे बेटे वैसे ही? अच्छा, जेड़ा रिश्तेदार आने नो लिखवे ने ना। हाँ जी, तो वीवर फाइनली बारात
वो ट्रालियां खड़ गई हैं, कारें खड़ गई हैं, मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पे खड़े होकर बारात आ गई है। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा तंबू लगाया हुआ है, एक छोटा सा दरख्त है, उसके नीचे सारी बारात बैठ चुकी है। ये देखिए सामने बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हर बंदे को पसीना आया हुआ है। गाली के घरों बजे जो मैं दाल दिखाई है तो उनका गाँव मोई तो पड़ा और सुता पे सही अब फिर नूट तो इलाज है लाल है आप पे सी जगह रोज ना अल्लाह ना करे यार आज ना थे कल थी सर मेहरबानी से शुक्रिया तो जैसा कि पंजाबियों का रिवाज होता है दुल्हन का जो सामान होता है वो दो तीन दिन पहले चला जाता है, लेकिन हम जो सराइकी लोग हैं ना वो जिस दिन दुल्हन जाती है उसी दिन ही उसका सामान जाता है। तो ये ट्राली आ चुकी है, सामान उधर पड़ा हुआ है, वो सारा इस पे लादेंगे और लेकर जाएंगे दूल्हे वालों के घर। ये जो सामान पड़ा हुआ है सारा का सारा दुल्हन का है और इसको लेकर जाना है दुल्हन। यानी हुन होले चलामी जिमे आया चलाई उ ना चलामी ठीक ठीक है जाना तो इन्हों का सामान डिंगा डोड़ा थी वैसे कुछ नहीं थी ना बाल के फाइनली व्यूअर ऑलमोस्ट सामान जो है वो ला चुके हैं ट्राली पे, अब इसको लेकर जाना है दूल्हे वालों के घर। बड़ी सर्दी आज में ना जी हां ये सही है देखो सारे हाल देखने सारा सर्दी बहुत ज्यादा है भा मालूम है ना भा मालूम सही सारा ते हाल त्याड़ सही साडा तो खुद चिरदा हाल है सर्दी कने पग्गा रे नि रादे कि ना सही बस मतलब नेट ते चल वीवर जिनके घर बारात आई है ये अक्सर मालदार लोग हैं और इनके जानवर वगैरह जो है वो रोही में जाया करते हैं। ले आओ ले आओ और ये अपने उस जानवर के गले में बांधते हैं जो सबसे आगे रहता है। अम्मी यार अजमल इन्हें बारे दसावी घाट दे बारे जाने अजमल यार तू अजमल तो वीवर ये उनके जो गाय होती है सबसे आगे रहती है उसके गले में डालते हैं। भाई गाना मान तू बस सिर्फ वजह दिखा तो ये दो तो भैया आप इन दो चीजों के बारे में बताएं कि ये क्या चीज होती है। ये बजते भी है ये देखें तो बारात सामान लेकर दुल्हन का ट्राली जो है वो रवाना हो चुकी है और इधर हमने जो शुगल हाँ होंडसा ओ मैं ट्राली वे से भाई होंडसा ਇਹ ਕਿਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੀ ਮਾਲ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਰਾਣੇ ਆਏ ਹਾਏ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗੂ ਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਗਾਲੇ ਚ ਪੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ जंगल